वैसे धूप उधर ग्राउंड में भी रहता है, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क वाला। और हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक है। क्या कर रही हो मिनाहिल? तो मिनाहिल को अभी नहलाकर, मतलब आधा घंटा हो गया नहलाकर बाहर निकाली हूँ। अभी मैं भी नहा कर आई हूँ तो मेरे बाल गीले हैं, तो मैं सोच रही थी कि नीचे चली जाओ धूप में, थोड़ा बाल सूख जाए। लेकिन आज थोड़ी गर्मी लग रही है, धूप लगाने वाला मौसम नहीं है, गर्मी लग रहा था तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो मैं एक सूट लेकर आई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो ये सूट है, देखिए ये लेकर आई हूँ, कुछ दिन हो गया है, और भी बहुत सारे सूट लेकर आई हूँ। तो ये पाकिस्तानी सूट है, ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क वाला, और जो मैं लेकर आई हूँ वो सब पैच वाले सूट है। तो अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये सूट है, ये इसका कैटलॉग है, इस टाइप का कुछ है, और कॉटन का है। तो मैं हमेशा कॉटन पहनती हूँ, तो मुझे कॉटन ही पसंद आता है। तो मुझे एक रेड कलर का चाहिए था, क्योंकि मिनाइल के पापा बोल रहे थे रेड लेना, उनको रेड कलर पसंद है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। ये पूरा धागे का काम है और बहुत ही प्यारा लगता है ये। मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, जैसे कि मैं हमेशा पाकिस्तानी सूट, लॉन सूट लेती हूँ, और वर्क वाला नहीं, ये कॉटन ही लेती हूँ। तो ये जो है कॉटन का दुपट्टा है इसका, इसके अंदर है देखिए ये, और ये रेड जो है ये शलवार का कपड़ा है, और 2.5 मीटर कपड़ा है शलवार का, और ये है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था तो ये ली हूँ मैं। तो इसको इस पर रख देती हूँ, एक और दिखाती हूँ। ये जो है ये नौशीन का है, मेरे पास और भी है 4-5 जो ये बेड के अंदर रखा हुआ है, लेकिन वो बेड मैं नहीं खोल सकती हूँ, ना ही नौशीन खोल सकती है, क्योंकि ये बहुत भारी है। तो मिनाइल के पापा रहते थे तो वो खोल देते थे, लेकिन अभी वो नहीं है, वो चले गए हैं, और कहाँ गए मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो है ना, ये शिफॉन दुपट्टा है, शिफॉन दुपट्टा मैं नहीं ओढ़ती हूँ, तो ये नौशीन ले ली थी। नौशीन को भी नहीं लेना था, ये नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने ज़िद किया था कि ले लो, ये भी पाकिस्तानी लॉन सूट है, तो बहुत ज़िद करने पर उसने लिया था। तो ये इसका देखिए कैटलॉग कुछ इस तरीके से है, और नौशीन ने दो पहले भी सिलवाया है, आपने देखा होगा व्लॉग में, एक ब्लैक और एक वाइट। तो ये भी कॉटन का है, और ये पैच वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए इसका पैच है, ये जो पैच है ये नेक पे लगने वाला है, और ये जो है ये आप दामन में भी लगा सकते हैं या आस्तीन में भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये ऐसे गले में लगेगा, ये कौन सा सीधा, हाँ यही सीधा है, तो ये ऐसे गले में लगेगा, और ये नीचे ऐसा डिज़ाइन रहेगा। तो नौशीन को मैं बोल रही थी, अगर तुम्हें ये सच में ही नहीं पसंद है तो मैं ये ले लूँगी और तुम्हें मैं दूसरा दे दूँगी, तो देखती हूँ क्या होता है। वैसे अभी तो मैं नहीं सिलवाऊँगी, रमज़ान के वक्त सिलवाऊँगी मैं कॉटन के सूट सब। तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम्हें भी ले दूंगी, ठीक है? तो इसको मैं अभी अच्छे से रख देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने सूट, और बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा जो मिनोशीन ने लिया है वो मैं ले लूंगी, उसको दूसरा दिला दूंगी, तो वही मैं उससे पूछ रही थी। तो जाऊंगी और अभी सो के उठी हो, सब क्या सोचेंगे मिनाहिल कितना लेट सो के उठी हो। लो नहीं, मिनाहिल बहुत सुबह से उठी हुई है, और आजकल मिनाहिल का जो स्कूल है ना वो छुट्टी चल रहा है और ट्यूशन जा रही है बस। और ये जो सूट मैं लेती हूँ ना, तो मम्मी से बात करी, तो एक बगल में आंटी रहती है, पड़ोसी है चाची की, और हम लोगों से बहुत अच्छा, उन मतलब दोस्ती उनसे बहुत अच्छा। तो उन्होंने जो है ना अपने कपड़े का बिजनेस चालू किया है। तो पहले तो मैं मोहम्मद अली रोड जाती थी या कहीं जाती थी तब लेकर आती थी, और मेरे घर से मोहम्मद अली रोड जो है ना वो बहुत दूर है, 2-2.5 घंटा लगता है। आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह से जाती हूँ, या फिर रिक्शा डायरेक्ट नहीं जाती है, या फिर गाड़ी करके जाना पड़ता है। तो वो आंटी जो है ना वो दादर से, और फिर सूरत से, जो सूरत पूरा कपड़े का जो भंडार है, पूरा फैक्ट्री वहाँ पे है गुजरात सूरत में, वहाँ से लाती है, मोहम्मद अली रोड से लाती हैं, बहुत जगह से लाती हैं, तो उनसे ही हम लोग लेते हैं। तो बहुत अब आसानी हो गई है, क्योंकि जो भी वो उनका दुकान में माल आता है, यहीं सामने एक मार्केट है 5 नंबर जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ, तो उन्होंने दुकान खोला है उनके बेटे ने और भाई ने, और वो घर पर लाती हैं, तो उनसे हम लोग खरीदते हैं। तो और भी मैंने बहुत सारा खरीदा है जो बहुत प्यारा प्यारा है, लेकिन वो बेड के अंदर है तो अभी मैं नहीं निकाल पाऊंगी इसीलिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, थोड़ा सा बाल में धूप लग जाए और फिर थोड़ी देर में आ जाऊंगी। वैसे गर्मी लग रहा था लेकिन बाल गीले हैं, तो उसकी वजह से फिर
सर्दी हो जाती है, मुझे बहुत जल्दी पकड़ लेती है सर्दी, इसीलिए। हाँ, मेरे को भी सर्दी है आज। आप आंटी के साथ रही, नौशीन आंटी के साथ मैं आती हूँ। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी अकेले। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, और मिनाइल को मैं कभी भी अकेले आने नहीं देती हूँ, मुझे डर लगता है, लेकिन इसको सब पता है कहाँ जाना है क्या करना है ना मिनाइल। वैसे गर्मी लग रहा है, नौशीन बोरी थी मत जाओ, लेकिन फिर भी जा रही हूँ कि बाल सूख जाए। दादी घर जा। दादी घर नहीं जाऊंगी, ऐसे ही चलो। ऑटोमेटिक वाला जो ये होता है ना लिफ्ट, उसमें थोड़ा डर भी होता है, इसमें नहीं होता है डर। बच्चों के लिए ऑटोमेटिक वाला ये रहता है। मिनाइल की साड़ी भी, मिनाइल की साइकिल भी खड़ी हुई है। चलो धूप में चलो। हाँ, धूप यहाँ पे तो नहीं है, चाची की सोसाइटी में जा रही हूँ, बगल में ही है बिल्डिंग में। बहुत गंदी लग रही हो। यहाँ पे भी फ्रेंड्स काम हो रहा है, इधर गटर का पूरा लाइन से, और ये रोड भी बनने वाला है कुछ दिनों में। वैसे जो पब्लिक है यहाँ की गंदा करके रखती है बहुत। वैसे धूप उधर ग्राउंड में भी रहता है, लेकिन ग्राउंड में नहीं जाऊंगी, यहीं पे जाऊंगी बनने कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं धूप में बैठी हुई हूँ, तब से बाल खोल करके मेरे बाल सूख जाए, और यहाँ पे धूप भी आ रहा है, पसीने पसीने भी मैं हो गई हूँ। देखिए यहाँ पे कारपेट भी सूखी हुई है, और बाल सुखा लेती हूँ अपने। फ्रेंड्स घर पे आ गई हूँ, और मिनाहिल रो रही थी अभी नहीं आने के लिए, लेकिन धूप लग गया तो बाल सूख गए, तो आ गई हूँ। और नौशीन खाना खा रही थी अभी, और अभी मैं बैठी हुई, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर शाम होगा तो मिनाहिल को ट्यूशन भी लेकर जाना है, और उसे होमवर्क भी करवाऊँगी, तो अभी जा रही हूँ थोड़ा देर आराम करने। तो ये नौशीन ने खिचड़ी बनाया था, उसमें दही डालकर और अचार डालकर खा रही है। फ्रेंड्स तो मैं सोने जा रही थी, लेटी हुई थी, लेकिन फिर नौशीन ने फेस पैक बनाया, तो मुझे बोला कि लगा लो। वो घर का ही चीज़ ज़्यादा यूज़ करती, फेस वॉश वगैरह भी यूज़ नहीं करती, मतलब कुछ भी बाहर का प्रोडक्ट नहीं, बस वो जो घर का जो होता है ना स्किन केयर, वही करते रहती है। तो उसने बोला कि लगा लो, मुझे आजकल मन तो नहीं करता है कुछ भी करने का, लेकिन फिर वो बार बार बोली, तो मैंने बोला कि ठीक है लगा लेती हूँ। तो उसने फेस पैक बनाया है, तो पहले फेस पैक बताने से पहले कि किस चीज़ का बनाया है, मैं ये जो रोज़ वाटर है ना, इसको अपने फेस पे थोड़ा सा लगा लेती हूँ। तो ये कॉटन में डालकर पोंछ लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना मैं धूप में चली गई थी, उसके बाद से फिर मैंने कुछ भी मतलब लगाया नहीं, फेस पे नहीं लगाती हूँ। ऐसे तो जब मुझे कहीं बाहर जाना रहता है तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, लेकिन अभी याद आया मुझे, और देखिए इससे निकल रही है गंदा फेस से डस्ट। इनाइल के पापा का कॉल भी आ रहा है, मैंने अभी काट दिया, वीडियो बना रही हूँ, बाद में कर लूँगी उनको कॉल। और मिनाइल के पापा नहीं है, वो कुवैत चले गए हैं, और एक साल के बाद आएंगे, तो वो वहीं पे जॉब करेंगे। यहाँ पर बहुत दिनों से थे, मतलब 6 मंथ से वो घर पे थे, और बाहर ही जाने का वो ट्राई कर रहे थे, तो उनका कुवैत का हो गया, तो वो कुवैत चले गए हैं। तो 7 तारीख को गए, 7 दिसंबर को, और आज 27 दिसंबर है, 20 डेज हो गया है उनको गए हुए। तो 1 साल तो वैसे भी बहुत जल्दी गुजर जाएगी, और वैसे भी वो यहाँ पर भी रहते थे, मतलब मुंबई में भी, तो 2 महीने में 3 महीने में आते थे, तो उनका जॉब वहाँ हो गया, तो वो बहुत अच्छे से वहाँ पे सेटल हो गए हैं, जॉब वगैरह सब कुछ हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर है, तो नौशीन मेरे साथ ही रहेगी, वो जाने का बोलती है मैं जाऊँगी, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ नहीं अभी जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं रहो। तो देखिए ये बहुत डस्ट इससे निकला, हो गया साफ। अब मैं जो है ना ये लगाने जा रही हूँ, देखिए ये फेस पैक, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता ये लगाने का, क्या करूं। ये जो है ना चिया सीड्स है, तो बहुत पहले मैं लेकर आई थी चिया सीड्स, उसका ड्रिंक बनाकर पीने के लिए, फिर मैंने पीना छोड़ दिया। तो फिर नौशीन को जब मैंने बोला कि घर पे है, तो फिर वो जो है ना चिया सीड्स का, उसने ये बनाने, वो चिया सीड्स का पैक बनाने लगी। और आप यकीन मानिए सच में, जब मैं इसको वॉश करूँगी ना, तब आपको दिखाऊंगी कि ये मतलब फेस को ना इंस्टेंट एकदम ग्लो आ जाता है फेस पे आपके, और एकदम मतलब कि साफ हो जाता है, क्लीन कर देता है फेस को। तो फर्स्ट टाइम नौशीन ने ही बनाकर मुझे दिया था। क्या डालती हो इसमें, मिल्क और चिया सीड्स ना, फुलाती हो पहले? तो ये थोड़ी देर के लिए मिल्क में चिया सीड्स को फुला देती है,
और कुछ नहीं डालती है, बस इसको ना ग्राइंड कर देती है, तो ये अच्छे से चिपकता नहीं है। इसको ऐसे ऐसे इस तरीके से करके लगाना पड़ता है। तो अभी मैं पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, और फेस पैक लगाने के बाद बात नहीं करते हैं। ये चिपक भी नहीं रहा है, और ये इससे ज़्यादा महीन नहीं होगा, मतलब इससे ज़्यादा थिन नहीं हो सकता, ऐसा ही रहता है। तो ऐसे ऐसे करके मैं पूरे फेस पे और फिर लगा लेती हूँ, और हेडबैंड भी लगा लेती हूँ जब तक ये सूखे ना, मतलब ड्राई ना हो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक आप चाहे रखें, ज़्यादा देर तक मैं रखती नहीं हूँ, मुझसे नहीं रखा जाता है। तुम लेट लगा रही हो ना इसी वजह से, नहीं तो वैसे लिक्विड था तो नौशीन बहुत देर से लाकर रखी थी कि लगाओ लगाओ वरना ये सूख जाएगा, तो मैं नहीं लगा रही थी। तो वो कह रही है कि तुम इतने देर के बाद लगा रही हो, इसी की वजह से ये थोड़ा ड्राई हो गया, वरना ये थोड़ा लिक्विड था। तो ये इतना है, मैं पूरा लगा लेती हूँ फेस पे। मीनाहिल को भी लगाना है, मीनाहिल भी मुझको बोल रही है मुझे भी लगाना। वैसे घर की चीज़ें है, इसमें कुछ केमिकल वगैरह नहीं है। मैं बाहर की तो कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अभी मेरा वो मैं फेस वॉश यूज़ कर रही थी वो ख़त्म हो गया, तो अब मैंने ना तो फेस वॉश भी करना छोड़ दिया, फेस वॉश भी यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। किसी भी चीज़ से मुँह धो लेती हूँ। इसको लगाने बहुत टाइम लगेगा, अच्छे से लगा लेती हूँ, सूख जाता है, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मैंने फेस पे लगा लिया था, और अभी इसको मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो ये इस तरीके से करके पूरा निकल रहा है। निकाल के मैं वॉश करके आती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, और मेरा फेस बहुत क्लीन हो गया है। शायद इसमें वीडियो में उतना समझ ना आता हो, लेकिन सच में बहुत क्लीन हो गया। और ये बहुत ही फ़ायदा करता है, जब भी आप लगाएंगे ना तो ये वर्क करता है हमेशा। तो इससे पहले भी मैं 2 बार लगा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करती हूँ। तो जो वो चिया सीड्स मैंने लगाया था ना, तो वो क्या हुआ था, आपने देखा कि वो चिपक नहीं रहा था, गिर जा रहा था। तो फिर बाद में मैंने क्या किया कि थोड़ा सा उसमें और मिल्क मिला के थोड़ा सा पतला किया, फिर लगा ली, तो अच्छे से सब लग गया। उसके बाद फेस वॉश करके आ गई हूँ मैं। फेस वॉश करने के बाद अच्छे से पोंछ लिया फेस को, और ये जो है ना राइस वाटर है, राइस वाटर को बस सिंपली ये कर लेना, स्प्रे कर लेना। मिनाइल को होमवर्क मिला है, तो वो मिनाइल होमवर्क करने जा रही है। तो राइस वाटर को स्प्रे करके बस छोड़ देती हूँ, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ किचन में शाम का नाश्ता बनाने के लिए। तो आप लोगों को भी बताती हूँ कि क्या बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स किचन में आ गई हूँ, और देखिए इतने सारी चाय पत्ती की क्या हालत हुई है। ये पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना, इसको धो दिए थे, तो धोने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी पड़ गया, तो पानी पड़ने के बाद से ये पूरा ख़राब हो गया। तो इसको फेंकने के लिए निकाल कर रखी हूँ, और ये बहुत महंगी है चाय पत्ती, लेकिन अब इतना सारा ख़राब हो गया, क्या करूँ। और ये इधर प्याज काट के नौशीन ने रखा है, क्योंकि अभी मैं चिकन बनाने जा रही हूँ। और ये इधर नौशीन इसके लिए समोसा के लिए आटा गूंध रही है, तो समोसा बनाने जा रही हूँ। मीनाहिल के लिए और हम सबके लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं समोसा। तो बस थोड़ी देर में हो जाए, जा रही हूँ मैं कीमा को भून लेती हूँ। प्याज पहले से ही कटिंग करके रखा हुआ है, और ये पीछे से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने कीमा चढ़ा दिया, नौशीन ने आटा भी सान दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ ना थोड़ा ये पुदीना और ये धनिया लेकर आई थी, तो उसको साफ करने। करी पत्ता को तो ऐसे ही रख देती हूँ मैं, तोड़ के नहीं रखती हूँ, लेकिन ये जो है ना धनिया, इसको अलग तोड़ तोड़ कर ऐसे पत्ती रखती हूँ कि ये जल्दी 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 ख़राब ना हो। और ये पुदीना है, इसको भी अभी अलग करके रखती हूँ। फिर ये जो कटा हुआ प्याज है कीमा में मिला दूँगी, और उसके बाद फिर रेडी कर लूँगी। फ्रेंड्स समोसा बन गया है, और ये देखिए मिनाइल खा रही है। तो उसे और बनाने का मैंने शूट नहीं किया, मैं अपनी बहन से, बड़ी बहन से बात करी थी। और यहाँ पे मैं प्याज डाल कर दी हूँ, और यहाँ पे अभी हम लोग खाने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर पूरा किचन साफ होगा, फिर इसको ट्यूशन भी लेकर जाना है। खाओ, अच्छा लगा, खाओ। फ्रेंड्स देखिए किचन की सफाई हो गई है, और ये अंडे लेकर आई थी, तो अंडे भी सरिया के रख दी हूँ। और यहाँ पर जो है ये चिकन मैं भून रही हूँ, और ये जो है ना ये मैंने सिलवाया है, जब आटा वगैरह सानती हूँ तो इसके ऊपर रखती हूँ। तो बस मिनाइल के ट्यूशन का टाइम हो गया, ये थोड़ा सा तेल छोड़ दे, तो ये धनिया डालकर उसके बाद चली जाऊँगी इसको ट्यूशन लेकर मैं। फ्रेंड्स मिनाइल ट्यूशन जा रही है, तो उसने बोला कि आज साइकिल लेकर जाऊँगी, तो उसको ट्यूशन में साइकिल रख दूँगी, ये सोसाइटी में चाची के ट्यूशन से आएगी, तो फिर वो चलाएगी।
फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 11:30 और नौशीन और मिनाहिल आइसक्रीम खा रही है। मैंने अपने लिए चोको बार लिया था और ये दोनों कॉर्नेटो खा रहे हैं। ऐसे तो रात में मिनाहिल को आइसक्रीम नहीं खिलाती हूँ मैं, लेकिन आज ये बहुत ज़िद करी थी तो इसलिए मैंने इसको ले दिया। तो अभी ये खाएगी, पहले आइसक्रीम लेकर आए हैं हम लोग और यहाँ पर बैठ के खा रहे, ये खा लेगी, उसके बाद ऊपर चली जाऊँगी सोने। तो मैं उधर फोर्थ फ्लोर पे है मेरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और वो फोर्थ। तो अभी सब लोग घर पे हैं तो वरना बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं। अभी खा के हम लोग थोड़ी देर में चले जाएंगे।